हम ऐसा कह रहे हैं कि स्कूल तो सबको जाना है, स्कूल जरूरी है, लेकिन स्कूल का तो एक टाइम है, उसके अलावा भी आप लोग जब पढ़ेंगे अपने से मिल करके ग्रुप में, और जो महिलाएं नहीं पढ़ी है वो भी पढ़ें। अरे शुरू किससे करना है? क ख ग घ से, ए बी सी डी से, 1 2 3 4 से। इतना तो हम लोग कई गांवों में किए कि जो सातवीं पास लड़की वो भी पढ़ाती थी, बोली है मीरा करके थी वहां पे, हम लोग जब बस हरदा में कर रहे थे, लड़की थी इतनी बड़ी, वो बोली कि सर हम भी पढ़ाएंगे बच्चा को, पढ़ाना ना, इतना तो हम सातवां क्लास तक पास किए, हम बाकी छोटा बच्चा को हम पढ़ा लेंगे। तो ये बहुत जरूरी है, और आप लोग भी जो पीछे बैठे हुए महिलाएं पुरुष वो भी नहीं आते, तो आप भी साथ साथ सीखिए, उससे कुछ सार मिलेगा आपको, आप पढ़ सकते हैं। और केवल पढ़ना नहीं, खेलना भी जरूरी है, हम लोग खेलने का सामान भी देंगे। हम लोग चाहेंगे कि ये बच्चे जो बड़े हो तो गलत रास्ते पे ना जाए, जैसे बाकी लोग पहले शराब बनाते थे, शराब पीते थे, घर में झगड़ा होता था, उससे परेशानी होती थी, तो वो सारी चीजों से आप लोग का घर में पैसा शराब में भी खर्च होता था, झगड़े में होता था। अब कुछ पैसा बचेगा तो बच्चों की पढ़ाई में है, आप लोग गरीब हैं, हम लोग भी मदद करेंगे, कॉपी से, किताब से, पेंसिल से, सबको एक जगह बैठा करके। हम लोग बहुत साधारण परिवार से आते हैं, और अभी पढ़ लिख गया तो कुछ नौकरी करके मदद तो कर सकता है समाज का। तो अंग्रेजी में कहावत है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से ही शुरुआत होती है असली चीजों की। आप पहले पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए, तब अपने परिवार को देख पाएंगे, तब समाज को देख पाएंगे, तब देश को देख पाएंगे।